Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about first year biology lecture number 21st. इससे पहले मैंने 20 लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा पहला वो देखे, फिर इस लेक्चर की तरफ आते हैं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है साइटोस्केलेटन। पहला एटमोलॉजी पढ़ लेते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और हमारे पास स्केलेटन से मुराद होता है फ्रेमवर्क। तो हम कह सकते हैं कि द फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। हम ये भी कह सकते हैं कि द फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला कौन सा साइंटिस्ट था? पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कोटजिफ। 1928 में उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी से वो सेल देख रहा था और वो कह रहा है कि सेल में हमारे पास क्या नेटवर्क ऑफ स्केलेटन है और वो भी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल। उन्होंने उसका नाम रखा साइटोस्केलेटन। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कोहन। 1977 में इन्होंने प्रूफ किया किसका व्यूज, जो कोटजिफ का व्यूज था उसको प्रूफ किया और ये कह रहा है कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है इनमें से आपको क्या मिलेगा, साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। यानी कह रहा है कि जो साइटोस्केलेटन है इनमें आपको तीन चीजें मिलेगा, एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे का नाम है माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरे का नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। आइए देखते हैं इसको एक डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास पूरा सेल की स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर को क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और अगर आप यहां पर देखें तो ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब्यूल है, ये साइज में बड़ा है, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं और एमडीकेट के लिहाज से इसका जो साइज है वो है 25 नैनोमीटर होता है। फिर दूसरा हमारे पास ये दरमियाना साइज के होते हैं तो इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं, ये 10 नैनोमीटर होता है और हमारे पास माइक्रोफिलामेंट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसका जो साइज है वो है 7 नैनोमीटर होता है। तो ये किसने कहा, ये कोहन ने कहा था कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है बेसिकली तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है, आपके सामने मैंने बता दिया। अच्छा आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन है कि हमारे पास जो साइटोस्केलेटन है ये बेसिकली बना है ट्रिप्टन प्रोटीन से या इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। दूसरा इनमें से एक्टिन प्रोटीन भी है, मायोसिन प्रोटीन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है और ट्रोपोनिन, यानी वो प्रोटीन जो मसल में मौजूद होते हैं वो भी यहाँ पे आपके पास मौजूद होता है। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स इकट्ठा हो जाता है, असेंबली का मतलब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर इससे और स्ट्रक्चर बनते हैं और ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे इकट्ठे होते हैं तो इससे और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बन जाता है, हमारे पास सीलिया। सीलिया बेसिकली क्या होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजेला क्या होता है, ये विप लाइक का मतलब क्या है, ये चाबक लाइक होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करें। बेसल बॉडीज क्या होता है, ये वो प्रोटीन होता है जो सीलिया के बेस में मौजूद होता है। नेक्स्ट सेंट्रियोल जो है ना, ये एक ऑर्गेनेलिस बनता है और ये बेसिकली स्पाइनल फाइबर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा हमारे पास अगर देखिए माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है, ये जो आपके सामने ये जो 10 फिलामेंट्स है ये साइक्लोसिस करता है। साइक्लोसिस कहते हैं द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म करवाते हैं। दूसरा अमीबॉइड मूवमेंट्स, अमीबा जब मूवमेंट करता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो बेसिकली माइक्रोफिलामेंट की वजह से होता है जो सुडोपोडिया के जरिए होता है। अच्छा हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम क्या है, ये डिटरमिनेशन ऑफ सेल शेप, यानी ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, इंटीग्रेशन कहते हैं कंबाइन, यानी सेल के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको क्या करता है, इकट्ठा रखता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये है। अच्छा अगर हम यहां पे बात करेंगे तीनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसकी खसूसियात क्या है, ये लॉन्ग है, अनब्रांच सिलेंडर है। दूसरा ये कौन से प्रोटीन से बना है, ट्यूबुलिन से बना है। इसकी जो साइज है वो 25 नैनोमीटर है और इसका फंक्शन ये कि ये इकट्ठा करता है और वी कैन से दैट डिस असेंबली करता है स्पाइनल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या इसका काम क्या है कि ये स्पाइनल फाइबर्स को इकट्ठा करते हैं और फिर जो है ना वो डिस इकट्ठा करता है यानी सेपरेट करता है। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन है। दूसरा हाँ, और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और ये सिलेंडर टाइप होता है, तो इसलिए आपके सामने जो है मैंने ड्रा किया है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा है, उसका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली क्या होता है, ये थिन होता है और दूसरा इनमें से कौन से प्रोटीन मौजूद, मेजर प्रोटीन जो है एक्टिन होता है बट इसके साथ साथ ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन भी मौजूद है। इसकी साइज 7 नैनोमीटर होता है और ये लिंक होता है किसके साथ, यहां पे देखो ये इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक होता है। अच्छा अगर हम इसकी फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म और इसकी जो डायग्राम है ये दो चेंज में मुश्तमिल होते हैं, आप इस यहां से देख सकते हैं। लास्ट में हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से मतलब इसका जो साइज होगा वो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान होता है और इसका जो साइज है वो 10 नैनोमीटर होता है। मेन फंक्शन क्या है कि ये सेल के शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मोटा होता है, आप यहां से देखिए तो ये ज्यादा मोटा है, ये दरमियान है और फिर ये 10 होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो